हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेके वियन पर। क्या आप भी मेरी तरह दुबई जाने का सपना देखते हैं? जी हाँ, सपनों का वो शहर जिसका मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता। दुबई की वैसे तो आपने बहुत से इमारतें, रिजोर्ट, आइलैंड्स देखे होंगे, लेकिन आज जो नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हम आपको दुबई की उन पांच जगहों को दिखाने वाले हैं जिन्हें देख आपका दुबई जाने का सपना फिर से जाग उठेगा। तो देर किस बात के साहब, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुबई की एक शानदार सफर पर। नंबर वन इस म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई, जिसने खूबसूरती के मामले में बाकी दूसरे सभी शहरों को पछाड़ दिया है। हर जगह बस इसी का नाम है। किसी भी देश या शहर के खूबसूरती वहां की इमारतों से होती है, और इसे शहर में भी ऐसी ऐसी इमारतें हैं जिसे देख कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये किसी इंसान द्वारा बनाई गई है। इनमें से एक है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो खूबसूरती का बेहतरीन नमूना है, जहां लोग इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। इस म्यूजियम की शुरुआत फरवरी 2022 में गई थी। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर 7 मंजिला कॉलम फ्री म्यूजियम है। इस म्यूजियम को बनाने में पूरे 7 साल का वक्त लगा, और इसकी लागत सुनकर तो आपकी खुशी उड़ जाएंगे। इसको बनाने में करीब 1,100 करोड़ लगी थे, इसलिए तो ये म्यूजियम अब तक के सबसे महंगे और शानदार म्यूजियम में से एक माना जाता है। इस म्यूजियम को बनवाने का मकसद दुबई की शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की नजरिए को आगे बढ़ाना था, जिससे इस म्यूजियम को आने वाले समय के प्रयोगों का म्यूजियम कहा जा सके। डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल और उससे भी आगे की रियलिटी के अलावा और भी बहुत सी नई नई तकनीक देखने को मिलती है इस म्यूजियम में। यह म्यूजियम अलग अलग और नई टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट की एक लैबोरेटरी है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एक अंडे के आकार की इमारत है, जिस पर अरबी भाषा लिखी हुई है। इस इमारत को किलार डिजाइन आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया है, और बूरो भपूर्ड इंजीनियर कंसल्टेंसी द्वारा इसे बनाया गया है। इस इमारत को लगभग 30,548 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। इसको मजबूती देने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इमारत स्टेनलेस स्टील के दम पर ही खड़ी हुई है। म्यूजियम के खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि नेशनल जियोलॉजिकल ने इस इमारत को दुनिया की चौथी भी सबसे खूबसूरत इमारत के लिस्ट में शुमार किया है, और इसकी शानदार बनावट के चलते इसको टिकला इंटरनेशनल बिल्डिंग अवार्ड से भी नवाजा गया है। अब तो आप समझ गए ना कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई की कितने खूबसूरत जगह हैं और क्यों लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं दुबई मॉल के अंदर बने एक्वेरियम की, जो बहुत ही बड़ा है, और यहाँ इतनी ज्यादा संख्या में मछलियाँ हैं कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत सी अलग अलग छोटी और बड़ी सभी तरह की मछलियाँ मौजूद हैं इस एक्वेरियम में। जितना यह एक्वेरियम देखने में सुंदर लगता है, उतना ही यह खतरनाक भी है, क्योंकि अगर इस एक्वेरियम का जड़ा भी कांच टूट गया तो सारी बड़ी मछलियाँ बाहर निकल आएंगी और इंसानों को खा जाएंगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस एक्वेरियम को बहुत ही मजबूती से बनाया है। इस एक्वेरियम में करीब करीब 10 मिलियन लीटर से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। इतने पानी और बेशुमार मछलियों को देखते हुए इस एक्वेरियम में जो कांच का इस्तेमाल किया गया है वो 75 सेंटीमीटर मोटा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास पैनल माना गया है। इस एक्वेरियम में 33,000 से भी ज्यादा मछलियाँ मौजूद हैं, जिनमें 400 से ज्यादा शार्क हैं। साथ ही आपको यहाँ मछलियों की ऐसी ऐसी प्रजातियाँ दिखाई देंगी जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। वहीं इस एक्वेरियम के बराबर में एक अंडर वाटर जू भी है। पानी के नीचे बने इस चिड़ियाघर में उद्बिलाव, मगरमच्छ, समुद्री घोड़े,
जेले फिश, ऑक्टोपस, कैकडे और पेंगुइन भी देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर किंग क्रोक भी देखा जाता है, जिसको खास ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह किंग क्रोक अब तक कैद में रहने वाला सबसे लंबा और भारी भरकम मगरमच्छों की लिस्ट में शुमार है। अंडर वाटर जू तक जाने के लिए आपको एक एक्वारियम टनल में से होकर गुजरना पड़ता है। यह एक सुरंग की जैसी होती है, जिसमें से आप इस एक्वारियम में तैर रही मछलियों का नजाना आसानी से देख सकते हैं। इसमें से करीब करीब आपको 30,000 मछलियां देखने को मिलेंगी। यह सुरंग दुनिया की सबसे बड़े एक्वारियम से होकर जाती है, यही इसके खास बात है। बोट राइड के जरिए आप इस एक्वारियम का लुत्फ उठा सकते हैं, और अगर आपको एडवेंचर करने का शौक है तो आप यहां डाइविंग भी कर सकते हैं। दुबई में परिवार के साथ घूमने के लिए इससे बेहतर स्थान शायद ही कहीं है। तो दोस्तों, अगर आप दुबई जाएं तो यहां पर जाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि दुबई का यह सबसे खास और दिलचस्प नज़ारा है। विश्वार की दुबई ग्लोबल विलेज, अब बात करते हैं दुबई के ग्लोबल विलेज की, जहां जाकर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इस जहाने की खास बात यह है कि जो भी यहाँ जाता है वो यहाँ से वापस नहीं आना चाहता। ग्लोबल विलेज इसके खूबी की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इस ग्लोबल विलेज के एक हिस्से में थीम पार्क है, तो वही दूसरी तरफ मार्केट देखने को मिलती है। इस विलेज में आपको 3,500 दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां से आप बहुत सी अलग अलग तरह की हाथ से बनाई हुई चीजें खरीद सकते हैं। साथ ही यहां पर 26 पवेलियन भी मौजूद है, जिनमें करीब करीब 78 तरह की संस्कृतियां पाई जाती हैं, जो देखने में बड़ी ही दिलचस्प हैं। दुबई विलेज में इंटीनेशन आर्किटेक्चर के रिप्लिका, कल्चरल जोन, फूर पवेलियन, शूज, राइटर्स और मार्केट्स हैं। इस दुबई ग्लोबल विलेज में और भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि यहां के स्नैक्स। जी हां, यहां पर लगभग 200 से ज्यादा खाने पीने की शॉप्स वगैरह मौजूद हैं। जहां से आप अपनी पसंद के स्नैक्स और भी बहुत सी चीजें लेकर अपने मजे को दुगना कर सकते हैं। इस ग्लोबल विलेज में दुनिया भर के हर समय के फेमस इमारतों के रेप्लिका मौजूद हैं। यहां बहुत सी तरह की संस्कृतियों को एक साथ और एक ही समय पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहां पर कुछ खास तरह का ऐसा इंतजाम और बनावट किया गया है कि आने वाले पर्यटकों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी महसूस ना हो कि वो किसी आम सी जगह पर आए हुए हैं। बल्कि जब भी कोई यहाँ आता है तो उसे लंदन के बिग बैन से लेकर इटली के पीसा मीनार का नज़ारा देखने को मिलता है, और वहीं ताज महल से लेकर पुराने मिस्र की झलक भी एक ही जगह पर देखने का मौका मिल जाता है। इसलिए तो दुबई का यह ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है। ग्लोबल विलेज की प्रसिद्धि देखकर यहां के थीम पार्क में एक खास त्यौहार को अरेंज किया जाता है, जो नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक चलता है। इस जगह से आप वर्चुअल तरीके से पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। तो है ना मजेदार, जिससे आप एक ही जगह से पूरी दुनिया का नज़ारा देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी दुबई, दोस्तों जरा बताएं आपको कौन से इलाके में घूमना जाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ठंडे या गर्म? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा ठंडी जगह। अगर आप भी मेरी तरह ठंडे इलाके में घूमने के शौकीन हैं, तो आप दुबई की इस ठंडी जगह पर जरूर जाएं, जिसका नाम है स्की दुबई। इस प्लेस का नाम जितना अलगा और दिलचस्प है, उतनी ही जगह भी शानदार है। दुबई की एक ऐसी जगह जहां पर आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। वैसे दुबई में बर्फ का होना नामुमकिन है, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन यह दुबई है भाई, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। दुबई ने लोगों को ठंडे इलाकों का एहसास और लुत्फ उठाने के लिए इस जगह का ऑप्शन दिया है, जिससे लोग दूर पहाड़ी इलाकों में ना जाकर हर तरह की बर्फ का लुत्फ उठा सके। यह देखने में है तो आर्टिफिशियल,
लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी यह महसूस नहीं होगा कि सब बनाया हुआ है। यही खासियत इसको दूसरे प्लेसेस से अलग बनाती है। स्की पार्क में इंडोर स्नो की पूरी फैसिलिटीज मौजूद है। यहाँ तापमान इतना ठंडा है कि अगर आप यहाँ पर गर्मी में भी जाते हैं तो आपको इस पार्क में गर्म कपड़े पहनकर जाना पड़ता है। इस पार्क को 3000 वर्ग मीटर एरिया में बनाया गया है, जिसके अंदर बॉब स्लेड राइड, स्नोबॉल गैलरी, स्नो कवर्न जैसी और भी फन एक्टिविटीज है। जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको यह पार्क बर्फ से पूरी तरह ढका मिलेगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी हिल स्टेशन पर हैं। इस स्की पार्क में बच्चों से लेकर बड़े तक के मनोरंजन की पूरी व्यवस्था की गई है। शाम के समय में यहाँ पेंगुइन्स का करतब दिखाया जाता है, जिसमें पेंगुइन अपनी क्यूटनेस से लोगों के दिल को मोह लेती है और बच्चे तो इन्हें देखकर पूरी तरह से इनके दीवाने हो जाते हैं। इस पार्क में स्नोबोर्ड की भी व्यवस्था की गई है। यह पार्क दुबई के मॉल का ही एक हिस्सा है और यह दुबई का एक ऐसा प्लेज है जहां पर ज्यादातर लोग अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं और यहां अपने समय को अच्छे से बिताते हैं। नेक्स्ट इज हट्टा वादी हब। अब जो आखिरी जगह है दुबई की, उसका नाम है हट्टा वादी हब। घूमने के लिए बहुत ही मजेदार यह जगह है। छुट्टी मनाना और अपने फैमिली या फिर दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना सबसे ज्यादा अच्छा प्लेस है। हट्टा वादी हब इसलिए ज्यादा फेमस और पसंदीदा है क्योंकि यहाँ पर एकदम नेचुरल ब्यूटी देखी जाती है, जहाँ बड़े बड़े सुंदर पहाड़ है, बड़ी बड़ी झीले और बहुत सी घाटियाँ है। साथ ही यह जगह इसलिए और ज्यादा चर्चा में रहती है क्योंकि इन पहाड़ों पर आप अपनी बाइक के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। यहाँ पर राइडिंग, हाइकिंग भी कर सकते हैं। इस इलाके के सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर तरह के लोग, चाहे फिर बच्चे हो या बड़े, सब घूमने आ सकते हैं। और जो भी यहाँ आता है वो यहाँ के खूबसूरती में खो जाता है क्योंकि यहाँ का मौसम भी बड़ा ही सुहावन रहता है। वही अगर आप आसमान के सैर करना चाहते हैं और ऊपर से इस खूबसूरत इलाके को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के भी पूरी व्यवस्था की गई है। वही अगर आप यहाँ घूमते घूमते थक जाते हैं, साथ साथ में खाना नहीं लाए हैं, तो आपको बता दे कि इस जगह पर आपको बहुत से खाने की चीजें भी मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह का भी पूरा इंतजाम है। वही अगर यहाँ की खूबसूरती वादियों का मजा लेते हैं, अगर आप हट्टा वादी हब जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से अप्रैल के महीने की बीच में जाएंगी। इस समय यहाँ के मौसम में कुछ अलग ही बात देखने को मिलती है। हट्टा वादी हब सुबह के 7 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। आप भी इन्हीं महीनों के दौरान यहाँ पर घूमने आए और इस खूबसूरत जगह के मजे ले। तो दोस्तों, यह थे दुबई के 5 सबसे अनोखी जगह। आप इन जगहों में से कहां पर जाना करते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।